Oh, yeah. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण शर्मा। आपको जानकारी दे दूं कि उधमपुर के सलाथिया चौक में एक ब्लास्ट हुआ है और अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं कि कितने लोग यहां पे इकट्ठे हुए हैं। सलाथिया का यह व्यस्त चौक हमेशा व्यस्त रहता है और इसी जगह ब्लास्ट हुआ है। देखिए, ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे दो व्यक्ति घायल हुए हैं गंभीर रूप से, उन्हें जिला अस्पताल लिया जाया गया है और अभी पूरी जानकारी थोड़ी देर के बाद देंगे कि आखिर उनका क्या हाल है घायलों का। लेकिन हम आपको ये ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे अफरा तफरी मच चुकी है उधमपुर में, क्योंकि उधमपुर का सलाथिया चौक सबसे व्यस्त रहने वाला चौक था और यहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ है ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश लग रही है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रश रहता है हर समय। आप सुबह देखो, दोपहर देखो, शाम देखो, और यहाँ पे कुलचे वाले को शायद वो यहाँ पे खड़ा रहता था, उसके भी कुलचे बिखरे हुए हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ तस्वीरें, वो देखिए, यहाँ पे कुलचे वाला एक रेडी लगाया करता था और उसके कुलचे भी बिखरे हुए हैं, पड़े हुए हैं। सब्जी देखिए, ये देखिए सब्जी के ढेर यहाँ पे पड़े हुए हैं। टमाटर हैं, ये यहीं पे ब्लास्ट हुआ है। किस तरह से चिथड़े उठ चुके हैं ये पेटियों के। और अभी हम आपको फिर बता दें कि दो इसमें व्यक्ति जो घायल हुए हैं उन्हें जिला अस्पताल लिया जाया गया है और उनकी बाकी अगली जानकारी जैसे होगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल हम अभी आपको लाइव तस्वीरें उधमपुर के सलाथिया चौक से दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे पुलिस, फौजी, आर्मी वगैरह सब कुछ मौजूद है, सीआरपीएफ भी मौजूद है, क्योंकि उधमपुर में इस तरह के वाकया कभी देखने में नहीं आए थे और आज उधमपुर के सलाथिया चौक में बहुत बड़ा ये वाकया देखने में आया, तो बहुत बड़ी घटना है। पार्षद जी, उधमपुर में इस तरह की घटना नहीं होती थी भाई? ऐसी घबराने की बात नहीं है, इसको जैसे भी पुलिस आउट रोड कर लेगी। अभी हम जहाँ पर पहुंचे ही हैं, कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। हम सबको एकता बनाई रखनी चाहिए, यही मेरी सबसे अपील है। लोग घायल हुए हैं अभी मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखिए, जिस तरह से बरमानी जी मौजूद हैं व्यापार मंडल के, बरमानी जी, उधमपुर में इस तरह की घटनाएं में देखने को नजर नहीं आती थी, लेकिन आज ये बहुत बड़ी घटना हुई है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट चौक माना जाता है, सलाथिया चौक, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बहुत दुखद घटना है जो आज हमारे शहर में पहली बार हुई है और इसकी अभी एसएसपी साहब से बात हुई है, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि किन कारणों से हुई है। लेकिन ये एक बहुत दुख दर्द था, जो कुछ दो जो इंजर्ड है वो हॉस्पिटल में है, बाकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही जो पता लगेगा उसके बाद ही पता लगेगा। शुक्रिया। ये थे व्यापार मंडल के प्रधान जितेंद्र बरमानी जी, इनसे भी हमने बात की। अब तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पे तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पे पुलिस, सीआरपीएफ सभी मौजूद हैं, क्योंकि उधमपुर में ये घटना जो हुई है सबको हिला के रख दिया इस घटना ने। और जैसे बरमानी साहब ने बताया कि दो व्यक्ति इसमें घायल हुए हैं और उन्हें, और यहाँ पे देखिए पुलिस के बीच में थोड़ी झड़प भी सामने नजर आ रही है, क्योंकि मीडिया कर्मियों के साथ यहाँ पे थोड़ा सा उलझ चुके हैं पुलिसकर्मी। ये देखिए पुलिस वाले समझाते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं तो मीडिया कर्मियों के साथ पुलिस वाले उलझते हुए, क्योंकि हर किसी को अपनी ड्यूटी पता है और मीडिया भी अपनी ड्यूटी जो बाकायदा निभा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखें कि ये जो ब्लास्ट हुआ है, अफरा तफरी उधमपुर में मच चुकी है इस समय। अभी हम दिखा रहे हैं आपको सलाथिया चौक में अफरा तफरी मच चुकी है, एक बड़ा धमाका बोला जा रहा है। हम आपको एक बार फिर बता दें कि उधमपुर का सलाथिया चौक है ये पूरे दिन व्यस्त रहता है, यहाँ पे पूरी तरह से लोगों की आवाजाही को रोका जा रहा है इस समय फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ है आप तस्वीरें साफ देख रहे हैं। और मैं आपको फिर बता दूं कि ये एरिया पूरे दिन व्यस्त रहता है, बिजी रहता है। और लोगों को बिल्कुल मनाही की जा रही है कि यहाँ पे ना आए, क्योंकि इस तरफ आना खतरे की घंटी बस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अभी पता नहीं है और शायद और ब्लास्ट ना हो, क्योंकि अभी पूरी जानकारी नहीं है कि आखिर क्या क्या आया।
हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के पार्षद विक्रम सलाथिया जी। विक्रम सलाथिया जी, यहाँ पे आपकी होटल भी है और फिलहाल हमें बताया कि ये व्यस्त एरिया है। अरुण जी, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री के उधमपुर के अंदर ये ब्लास्ट हुआ है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं जनरल काउंसिल की मीटिंग में था और जैसे ही मुझे सूचना मिली कि यहाँ एक धमाका हुआ है तो मैं इमीडिएटली यहाँ पहुंचा। तो SSP साहब से मेरी बात हुई कि ये क्या चीज हुई है, तो उन्होंने कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा ये क्या है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इसमें मुलसिब है उसको सलाखों के पीछे होगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, पुलिस पे हमें पूरा भरोसा है। जी जी। ये आपके माध्यम से मैं उधमपुर वासियों को कहना चाहता हूँ। विक्रम जी, ये दो व्यक्ति यहाँ पे घायल बोले जा रहे हैं, उनकी कंडीशन कैसी है पता? देखें, मैं जब पहुंचा तो उनको इमीडिएटली जो पुलिस ने शिफ्ट कर दिया था हॉस्पिटल के अंदर। अभी मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा तो पता चलेगा। कि ईश्वर से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वस्थ रहे और उनको जो है माइनम अगर जरूरत पड़े तो, जैसे मेरे कुलीग ने बताया कि उन्होंने इमीडिएटली वो एडमिनिस्ट्रेशन को, मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने MS शिफ्ट किया जाए। जी, यही आपके बात। तो ये थे विक्रम सलाथिया जी, यहीं पे रहते हैं और विक्रम सलाथिया जी बता रहे हैं कि दो व्यक्ति जो घायल हैं फिलहाल उन्हें जिला अस्पताल लिया गया और अगर ज्यादा गंभीर हालत बनती है तो उन्हें उधमपुर के MH हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल अभी पूरी जानकारी नहीं है कि उन्हें कितनी लगी हुई है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सलाथिया चौक से, अफरा तफरी मच चुकी है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन अजय को दीजिए इजाजत और अगली जानकारी तक हमारे साथ बने रहिए।